है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप फॉर लव एंड डिज़ायर एंड मैं हुरिया। सो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने आईज़ पे इजीली कलर कॉन्टैक्ट लेंसेज को अप्लाई कर सकते हैं एंड रिमूव भी कर सकते हैं। सो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड उसके बाद जो बेल बटन है उसको भी जरूर हिट कर लें ताकि मेरे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबको मिलती रहे। सो लेट्स गो फॉर। सो गाइस, मैं बताना चाहूँगी कि मैं कौन सा कलर लेंस यूज़ कर रही हूँ। सो मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, मैं लास्ट 1 वीक से एक ही कलर लेंस ट्राई कर रही हूँ एंड आप कह सकते यूज़ कर रही हूँ। सो मैं जो अप्लाई कर रही हूँ वो काफ़ी चीप कलर कॉन्टैक्ट लेंसेस है, क्योंकि ऑनलाइन या ऑफलाइन कई सारे कलर कॉन्टैक्ट लेंसेस अवेलेबल है, बट वो सारे काफ़ी हाई रेंजेस हैं। सो मैं वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकती, बट मुझे आई लेंसेस ट्राई करना था। सो मैंने ट्राई किया दिस वन एंड इसका जो नेम है जस्ट लिखा हुआ है कॉस्मेटिक कलर लेंस। सो मैं लोकल आई ग्लासेस के जो शॉप्स है वहीं से इसको परचेस किया है एंड इसका प्राइस मुझे पड़ा है जस्ट 250 रुपीज़। जो शॉपकीपर है उन्होंने मुझे ये बोला है कि 1 मंथ तक मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ इजीली, बट मुझे नहीं लगता है क्योंकि मैं जस्ट 2-3 बार इसे यूज़ किया है एंड फर्स्ट टाइम जब मैंने इसे यूज़ किया था तो तब मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था गाइस एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा हेडेक हुआ होने लगा था एंड काफ़ी ज़्यादा पानी आने लगा था आईज से एंड मेरा जो आईज है वो काफ़ी ज़्यादा रेड हो गया। सो मैंने तभी के तभी इसे खोल कर रख दिया था एंड सेकेंड टाइम मैंने जब इसे यूज़ किया तो मुझे थोड़ा सा कम प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि सेकेंड टाइम डर थोड़ा सा कम हुआ क्योंकि मैं भी डर रही थी। ये काफ़ी चीप प्राइस का आई लेंस है एंड आईज आर वेरी प्रीशियस फॉर ऑल एंड एवरी वन एंड मेरे लिए भी मेरी आईज काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है। सो मैं काफ़ी ज़्यादा डर भी रही थी एंड मेरे मन में काफ़ी ज़्यादा ये भी हो रहा था कि मैं इसको ट्राई करूं। सो सेकेंड डे जब मैंने इसे यूज़ किया तो मुझे थोड़ा सा ठीक लगा, इतना अच्छा इतना ज़्यादा मतलब ख़राब नहीं लगा, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा पानी आ रहा था आँखों से एंड थोड़ा सा जलन होने लगा था। फिर 15 या 20 मिनट्स के बाद ठीक हो गया एंड मैंने वीडियो भी शूट किया। उसके बाद मैंने फिर से उसे खोल के अच्छे से रखा एंड नेक्स्ट डे जब मैंने यूज़ किया उसे तब मुझे थोड़ा सा फिर से प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि जो आई लेंस है वो एक बार मेरे हाथ से गिर गया था नीचे एंड मैंने उसे फिर वॉश करके फिर उसे ट्राई किया। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर भी होने लगा था कि मेरा आईज तब गया, बट भगवान का नाम लेकर मैंने फिर से उसे अप्लाई किया। सो अभी तक तो ठीक है, कुछ नहीं हुआ है मेरे आईज पे एंड मैं इसे फेंक देने वाली हूँ जस्ट और एक बार अप्लाई करके। तो अगर आप लेना चाहे इस तरह के आई लेंसेज देन आप उसे 2 से 3 दिन ही यूज़ करें, चौथा वाला दिन मत यूज़ कीजिएगा। सो इस तरह की जो आई लेंसेज है वो इस तरह की पैकेजिंग में आया था एंड जो वाटर है वो मुझे अलग से लेना पड़ा है एंड मैंने एक्वासॉफ्ट की जो वाटर है वो लिया, क्योंकि मुझे सुनने में आया था जो एक्वासॉफ्ट का वाटर वो अच्छा है एंड ये वाटर भी आप सिर्फ 3 महीने तक ही यूज़ कर सकते हैं। इसका जो सील है उसे रिमूव करने के बाद जो एक्वासॉफ्ट का जो पैकेट है उसके साथ ही आपको इस तरह की जो आई लेंस का कंटेनर है वो मिलता है एंड ये वाला जो एक्वासॉफ्ट का वाटर है मुझे पड़ा है जस्ट 85 रुपीज़ एंड इसका जो शेल्फ मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो जून 2018 से एक्सपायरी डेट है मई 2021 तक, बट इसका जो कैप है उसे ओपन करने के बाद आप इसे 3 महीने तक ही यूज़ करें, यहाँ पे ये लिखा हुआ है एंड इसका जो इंस्ट्रक्शंस या फिर जो भी डिटेल्स है वो आपको इसकी जो पैकेट्स है वो उसमें मिल जाएगा। ये वाला जो आई लेंस है वो मैंने यूज़ किया हुआ है, सो इसका जो लेंस है वो मैंने इसे यहाँ पे स्टोर करके रखा है। सो गाइस टॉपिक पे आते हैं कि आई लेंस हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो आई लेंस यूज़ करने के लिए जो 3-4 रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सो पहला जो रूल्स है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं कि हमारे जो हाथ है वो हमेशा धुले हुए हो एंड हम अच्छे से हाथ को वॉश करके उसके बाद ही लेंस को वेयर करें। एंड सेकेंड क्या वो है
कि हमेशा मेकअप से पहले हम लेंस को अप्लाई कर लें, एंड तीसरा जो है कि लेंस को अप्लाई करने के बाद हम जो रब आईज़ को कभी भी रब ना करें, एंड जब भी हम लेंस को उतारें तब तब भी हम आईज हैंड्स को अच्छे से वॉश कर लें। सो आइए देखते हैं कि कैसे हम आई लेंस को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, मैंने पहले से ही अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया एंड ड्राई भी कर लिया है। एंड उसके बाद इस तरह से हाथ की पाम में मैंने एक्वासॉफ्ट की वाटर की 3 से 4 ड्रॉप ले लिया है। एंड उसके बाद लेंस को पिक करके दूसरे हाथ की फिंगर की हेल्प से इस तरह से लेंस को धीरे धीरे से रब करके वॉश कर लेना है। एंड फिर उसके बाद राइट हैंड की मिडिल फिंगर टिप या फिर जिस फिंगर से आपको आसानी हो उस फिंगर टिप की हेल्प से लेंस को पिक करके दूसरे हाथ की फिंगर्स की हेल्प से इस तरह से आई को स्ट्रेच करके ऊपर की तरफ देखकर लेंस को आई में प्लेस करना है। एंड फिर इधर उधर आई वॉलकर करके देखने से लेंस इजीली आई में प्लेस हो जाता है। एंड सेम तरीके से मैंने अपनी दूसरे आई पे भी लेंस को अप्लाई कर लिया है। सो गाइस, आप देख सकते हैं लेंस अप्लाई करने के बाद मेरे आँखों से काफ़ी ज़्यादा पानी आ रहा था एंड मेरे आईज़ काफ़ी ज़्यादा रेड हो गया था। सो ये नॉर्मल है, लेंस अप्लाई करने के टाइम पे पानी आना एंड रेड होना नॉर्मल बात है। सो डोंट वरी अबाउट। सो लेंस अप्लाई करने के बाद कुछ देर तक आप अपने आईज़ को क्लोज करके रखें एंड इस तरह से आप अपने एक क्लीन टॉवल से आईज़ को डैप कर सकते हैं, देन इट विल बी ईजी फॉर यू। सो गाइस, लेंस को रिमूव करने के टाइम पे भी अच्छे से हाथ को वॉश एंड ड्राई करके उसके बाद ही लेंस को रिमूव करना है। लेंस को रिमूव करने के बाद राइट वाला साइड में राइट एंड लेफ्ट वाला साइड में लेफ्ट लेंस को ही स्टोर करना चाहिए। सो मैंने ऑफ कैमरा मेरी राइट लेंस को रिमूव कर लिया है। उसके बाद इस तरह से कॉन्टैक्ट के लेफ्ट वाला साइड में वाटर भर के जस्ट इस तरह से लेंस को पिंच करके रिमूव करके कंटेनर में स्टोर करना है। एंड गाइस, मैंने आपको बताना भूल गई थी कि मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर के लेंस अप्लाई किया है। सो दैट्स ऑल गाइस, ऐसे हम इजीली अपने आईज पे आई लेंसेस को अप्लाई कर सकते हैं एंड उसे रिमूव भी कर सकते हैं। सो अगर आप आई लेंस को हमेशा अप्लाई करना चाहते हैं देन कोई अच्छा वाला आई स्पेशलिस्ट के पास जाकर आप आई लेंस को वो जो आई लेंस रिकमेंड करेंगे आपके लिए वो आप ट्राई कर सकते हैं। बट अगर आप इस तरह की जो आई लेंस है वो यूज़ करना चाहते हैं देन तब भी अच्छे ब्रांड का ही यूज़ करें, क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया है अपनी खुद की रिस्क में। सो मैंने ये वाला ट्राई किया बट मुझे अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है आईज़ पे, मैं अच्छा खासा देख सकती हूँ आईज़ से। सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप कि आप लोग के लिए ये इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक रहा होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा। सो अगर आपके लिए मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इन इस वीडियो को बहुत सारा लाइक एंड बहुत सारा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उनके लिए भी मेरा ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल हो। एंड आपको मेरा वीडियो कैसा लगा एंड कितना कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए मेरा वीडियो, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। इट मीन्स अ लॉट टू मी गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।